फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आर्यन सावत एंगेश्वरीनारायण, ऑथर, मेमोरी मास्टर, लाइफ कोच। आज आपको से कुछ 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आप अपने लाइफ में अप्लाई करके स्टडी में मास्टरी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल्ड टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट अ मास्टर शेड्यूल। मास्टर शेड्यूल होना बहुत जरूरी है बिकॉज टाइमिंग हर एक चीज में मैनेज होना चाहिए। उसी के ऊपर ये वीडियो है। मैनेजिंग टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप। तो मास्टर शेड्यूल क्रिएट करने को सबसे पहले आपको एक पेपर लेना होगा और स्केच पेंस लेना होगा। स्केच पेंस आपका सबसे फेवरेट कलर लेना होगा और आपको शेड्यूल करना होगा कि आप कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और कितना पढ़ने वाले हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। इससे होगा क्या, आपका फेवरेट कलर आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और जब आप बार बार उस चीज को देखेंगे तभी आप वो चीज करने को मजबूर हो जाएंगे। हमारा मेमोरी, हमारा माइंड का ये एक लॉजिक है कि जो चीज आपको बार बार दिखे और सबसे फेवरेट कलर से दिखे वो चीज माइंड और मेमोरी ज्यादा ग्रैब करती है, और जितना माइंड ग्रैब करेगा चीजों को वो सबकॉन्शियस माइंड आपको करने को मजबूर कर देगा। सिंपल भाषा में आप वो चीज करने को मजबूर हो जाएंगे, वो सब्जेक्ट पढ़ने को मजबूर हो जाएंगे। तो मैं जिस भी सब्जेक्ट पे कमजोर हूँ वो सब्जेक्ट को मैं लिख लेता हूँ मेरे फेवरेट कलर से और फिर वो स्टडी करने को मैं ज्यादा मजबूर हो जाता हूँ और उसमें मैं वापस मास्टरी पा लेता हूँ। वैसे एक मास्टर शेड्यूल होना एक पेपर में बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, वो मास्टर शेड्यूल को आपको वो जगह पे चिपकाना है जहाँ आप रोज देखते हैं। जैसे कि मैंने अपने रूम के दरवाजे पे स्टिक कर लिया है जहाँ मैं रोज वहां से जाता हूँ और आता हूँ तब मेरा नजर वहां आ जाता है और मैं मजबूर हो जाता हूँ और भी ज्यादा स्टडी करने को और भी ज्यादा मेहनत करने को उस सब्जेक्ट के ऊपर। वैसे ही आपको करना है, जहां भी आप रोज जाते हैं, जहां भी आप रोज देखते हैं वहां को मास्टर शेड्यूल चिपका देना है और आप उसके बाद के मिराकल को देखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट है क्रिएट एन एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या है, बेसिकली आपको एक एजेंडा रखना है कि आप ये चीज नहीं करेंगे, ज्यादा टीवी नहीं देखेंगे, ज्यादा मोबाइल नहीं देखेंगे। आपके सामने जो भी बाधाएं आ रही, जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं उससे आप तोड़कर आगे बढ़ेंगे। टीवी, मोबाइल, ये सब कुछ टाइम वेस्ट करने का एक माध्यम है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोकता है, आपको स्टडी करने से रोकता है। वैसे ही आपका एजेंडा होना चाहिए कि कम से कम टाइम आपको कोई भी टीवी, मोबाइल, टैबलेट देखना है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है, लेकिन एजेंडा में मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ टीवी, मोबाइल या टैबलेट ही नहीं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके एजेंडा, आपके गोल, आपके मकसद से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो चीज आप खुद जानते हैं, आपको ही पता है कि ऐसे बहुत सारे चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो चीज आपको पता है और वो चीज को अवॉइड करना है, वो चीज को आपको आपके वे में आने से रोकना है। जैसे कि मेरे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लेकिन मैं उन्हें पार करता हूँ। मैं शूट करता हूँ और वीडियोस डालता हूँ, फेसबुक मैनेज करता हूँ, बट उसके दौरान मैं स्टडीज भी करता हूँ। वो कैसे होता है वो मैं खुद मैनेज करता हूँ। मेरे सामने कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए तो उसे मैं तोड़ के आगे बढ़ता हूँ, दोनों चीज को मैनेज करता हूँ। वैसे ही आपको करना है, मैनेज करना है टाइम को और आपके एजेंडा से आपको हटना नहीं है, एजेंडा को कायम रखना है और आगे बढ़ना है। तो थर्ड पॉइंट है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को आपको पूरे आपके माध्यम से निकालना है। डिस्ट्रैक्शन के बारे में मैंने बोला कि आपको ही पता है कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है। मोबाइल, टीवी, टैबलेट आप अवॉइड कर लोगे लेकिन समय पे क्या चीज आ जाए आपको भी नहीं पता, क्या आपका फ्यूचर है आपको भी नहीं पता। चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जो डिसीजन लिया है उसे आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद ही उठना है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल, टैबलेट, टीवी या फ्रेंड्स ही नहीं, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा माइंड है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने जरूर ये नोटिस किया होगा, जैसे आप स्टडी करने को बैठते हैं आपको बोरिंग फील होता है, आप जो है पूरे रूम की ओर बस देखते रहते हैं, अलग अलग चीज सोचते रहते हैं पर स्टडी नहीं करता है और आपका पूरा डूब जाता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर जगह सर्वे किया है, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज
जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा और आप गलत कर रहे हो, आपके लिए वो सही है। आपको हमेशा सही करना है। जानने के बाद अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो आपका मिस्टेक है। आपको और भी फोकस लेके आना है। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में कई सारे मेडिटेशन बताए फोकस के लिए, जैसे कि त्राटक। आप एक कैंडल को सामने रखते हैं, जो फायर बर्न हुआ है उस पर आप फोकस करते हैं और उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। एक चीज में जब अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ स्टडी पे ही नहीं, आपके जॉब पे, आपके बिजनेस पे, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो या आप एक स्टूडेंट हो, कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको डिस्ट्रैक्शन को पहले निकालना पड़ेगा, फिर कॉन्सेंट्रेशन आएगा। रिमूव डिस्ट्रैक्शन फर्स्ट, देन इनपुट कॉन्सेंट्रेशन। आपको कॉन्सेंट्रेशन लाने को बहुत सारा मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन एक ऐसा चीज है जो आपको मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा अगला वीडियो आने वाला है मेडिटेशन के ऊपर, आप जरूर देखिएगा कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। मैं ब्रीफली बताने वाला हूँ, लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी बताया कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेडिटेशन बेसिकली एक स्टेप है जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। त्राटक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और कई सारे एक्टिविटीज भी कर सकते हैं आपके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने को और डिस्ट्रैक्शन को निकालने। तो आज का वीडियो कैसा लगा? डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और हाँ, मेरे पार्ट टू वीडियो यही टॉपिक के ऊपर देखना न भूलिएगा, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए ही स्पेशली मैं इसी वीडियो का पार्ट टू लेके आने वाला हूँ, तो उसे देखना ना भूलिएगा। तो you can visit my other social media accounts, you can visit my Facebook page, Facebook account, Instagram handle, Twitter handle, and thank you.